गणेशोत्सवात घरगुती गणपतींचाही निराळा थाट असतो. अशात सोमवारी उत्साहात स्वागत करण्यात आलेल्या दीड दिवसांच्या घरगुती गणेशाचे मंगळवारी विसर्जन करण्यात आले. लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना भक्तगण अतिशय भावुक झाल्याचे चित्र तलाव परिसरात पाहायला मिळाले. दीड दिवसांचा पाहुणचार घेतल्यानंतर बाप्पा आपल्या गावी परतीकडे निघालेत. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या जयघोषात श्री भक्त विसर्जनासाठी तलावाकडे मार्गस्थ होत होते. मन में बहुत उदास हूँ, मैं अभी रो के आया हूँ और इतना दर्द है अंदर कि हमारे साथ डेढ़ दिन जो ये रुके हैं गणपति, हमारे घर में आए हैं. पहले तो हमने इनकी पूजा करी, आरती उतारी और आज जाने का मन नहीं है. ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही रहें, पर अंदर दिल में उनको लेके जी रहे हैं. एक साल निकालेंगे, फिर अगली बार फिर लेके आएंगे धूमधाम से. डेढ़ दिन के बाद फीलिंग ऐसी होती है क्योंकि बहुत भक्ति भावना से हम लोग गणपति को लेके आते हैं. जब विसर्जित करते हैं तो एक्चुअल में दिल नहीं करता कि वो जाए, लेकिन बच्चे छोटे हैं या घर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनकी जितनी पूजा होनी चाहिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर चीज़. तो डेढ़ दिन में जितनी श्रद्धा से दिल से कर देते हैं, लेकिन ये दिल करता है कि अगर ये और भी हो चलते रहे लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत मज़ा आता है. या दीड दिवसांच्या गणरायाचे विसर्जन निर्विघ्नपणे पार पडावे यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी या ठिकाणी कार्यरत दिसले. यंदाही तलाव परिसरात चोख बंदोबस्त तसेच विसर्जनासाठीची चोख व्यवस्था करण्यात आली होती. व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश राठोडचा योगेश पाटील यांचा रिपोर्ट.